वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है काव्या, तेरा कोई प्लान है या नहीं? अच्छा, तो ये सपना था क्या? वही मैं बोलूं, मुझे कौन चॉकलेट देने लगा? और सपने में भी चॉकलेट नहीं मिला, मम्मी ने आके उठा दिया। काव्या, रोज डे प्रपोज डे कैसा सेलिब्रेट करना है? तूने तो पक्का कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। मम्मी से तो खुश होना चाहिए, वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है, ना ही मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास है, ना ही मुझे कहीं बाहर जाना है, ना ही मुझे किसी से मिलने जाना है, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स है, ना फ्रेंड सर्कल है। बाकी सब लोग कितनी मस्ती कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट पे जा रहे होंगे, अच्छा अच्छा ठूस ठूस के खा रहे होंगे, एक दूसरे को गुलाब दे रहे होंगे, ये गुलाब उसको गया, उसका गुलाब इसको गया। और हम सिंगल लोग देखो, यहाँ हमारी तो नींद भी पूरी नहीं होती। क्या लाइफ है ना कुछ कुछ लड़कियों की, घर से सुबह खाली बैग लेके जाओ और शाम को उसमें ढेर सारी गुलाब और ढेर सारी चॉकलेट लेके आओ। वाह 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 वाह, मतलब मज्जा नहीं लाइफ। और एक हमारी बैग है जिसमें हमने सिर्फ भर भर के नोट्स लिखे हुए हैं। बट मैं चॉकलेट डे, रोज डे और प्रपोज डे कैसे सेलिब्रेट करूं? आइडिया, वाह क्या मस्त आइडिया मिला है। लेकिन है ना, उससे पहले मम्मा पापा के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, उनकी मजा लेंगे। पापा उठे क्या नहीं आप? चिंको बेबी उठ गया तू? ओ मैं निकला ओ गड्ढे लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं खुद दिल छोड़ आया। पापा ये वैलेंटाइन वीक वाला चोचला शुरू हो गया है, और दीदी है ना कुछ खुराफाती आइडिया लेके आई है, इसके बातों में मत आना। आप अगर लेट उठे तो मम्मी आपको कुछ नहीं बोलती, मुझे सुबह सुबह एक दपाटा दे दिया रख के और उठा दिया। तो तूने जल्दी उठना चाहिए ना। तो एक दिन क्या हुआ लेट उठा तो? नहीं, जल्दी उठने की आदत रखना। देखो कौन बोल रहा है, पापा भी उठे हो, मेरे को बोल रहे हो? पापा बाहर आओ, एक काम है, जल्दी से आना। तुम साथ में बैठे मतलब कुछ ना कुछ खिचड़ी बकरी। तो देखो ये रहा मम्मी का पार्सल, पता नहीं मम्मी ने इसमें क्या मंगाया हुआ है, रोज एक ना एक पार्सल आता ही रहता है। चलो अभी मम्मी से ही पूछते इसमें क्या है। मम्मी इसमें क्या मंगाया है आपने? पापा वो सोफा कवर जाने दो, पहले मेरे टांग तो छोड़ो। डिजाइन है आपके पास? हाँ ना, ये मेरे पास। कितना बोरिंग दिख रहा है ये वीडियो में भी, दिखाओ तो कैसा है। पापा आपका ध्यान कहाँ है, मेरे टांग तो छोड़ो, मेरे टांग पकड़ के रखी, मेरे को कहीं जाने ही नहीं आ रहा। अच्छा तो ये सोफा कवर लेके आए वाले मम्मा ने, इसको भी मैं सुसु करके गिला कर डालूंगा। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन के डाली को, लहू जिगर का दूंगा हसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया। अभी मैंने ये गाना गा लिया ना, तो ये गाना अभी हिट होने वाला है वायरल, और इसी के ऊपर सारी लड़कियां रील्स बनाएंगी। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली। तो कैसा लग रहा है हमारा न्यू सोफा का कवर? तो पापा आपको पता है कौन सा वीक स्टार्ट हुआ है अभी? फरवरी का सेकंड वीक स्टार्ट हुआ। और क्या? फरवरी का सेकंड वीक यानी कि वैलेंटाइन डे वीक स्टार्ट हुआ है पापा। और है ना, आपने ना ही तो मम्मी को रोज ला के दिया है और ना ही रोज डे पे विश किया है, आज प्रपोज डे है। तू उसमें क्या अभी विश कर देता? हैप्पी रोज डे। रोज का है? हाँ ना, क्या बिना रोज का? हैप्पी रोज डे कुछ भी। हैप्पी प्रपोज डे भी है ना, तो हैप्पी प्रपोज डे। पापा हैप्पी प्रपोज डे नहीं बोलते? फिर कुछ बोलो। हाँ ना, प्रपोज करते तो अब प्रपोज डे आज तो मैंने बोल दिया, फिर हैप्पी प्रपोज डे। तो आप जाओ थोड़ा रोमांटिक, वहाँ पे खड़े रहो, मम्मी को प्रपोज करो। तो चलो पेट पूजा करके आते हैं। पापा चलो ना जल्दी, मामा मामी वेट कर रहे हैं, मम्मी तो कब की चली गई। तो हमको है ना डोर लॉक करने के लिए ऐसी चाबी वाबी की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ऐसे खींच लो ये लॉक हो जाता है, और इसको ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट लगता है।
देखा। वैसे मामा मामी का घर है ना इधर ही, दो प्लॉट छोड़ के पास ही में, इसीलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। चलो बच्चा। ये देखो ये रहे हमारी शॉप। जूली हाय। तू भी आया मामा मामी के घर खाना खाने? मामी ने मस्त पूरी बना के रखे वाली है और तुम इतना लेट आ रहे, जल्दी से आने को नहीं होता क्या तुम लोगों को? देखो मामी यहाँ पे कितने मस्त गरम गरम पूरी तल रही है। थैंक यू मामी। देखो देखो चल चल भाग भाग भाग। तो आ गए हम लोग मामा के घर से खाना खा के। और है ना पिछले कुछ दिनों से है ना मुझे है ना यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है, और आज है ना वो चेस्ट पेन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो इसीलिए मम्मी ने कहा है कि हम है ना एक बार हॉस्पिटल में जाके दिखा के ही आ जाते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलो अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल और जाके दिखा के आ जाते हैं। चलो मम्मी। आ गए पापा। मम्मी क्यों मुझे ऐसे चेस्ट पेन हो रहा होगा? अच्छा खासा हम मजा कर रहे थे सुबह, लेकिन अचानक से दर्द चालू हो गया फिर से। कुछ नहीं अपन हॉस्पिटल जाके देखेंगे, ऐसे होता रहता है। तो आज से है ना एक डेढ़ साल पहले ना मुझे ऐसे ही चेस्ट पेन हुआ था, और एक दिन है ना मुझे उसके लिए एडमिट भी होना पड़ा था। फिर है ना हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे होते रहता है चेस्ट पेन, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मम्मी इस बार मुझे एडमिट तो नहीं होना पड़ेगा ना? हॉस्पिटल। तो यहाँ पे पापा ने है ना गाड़ी पार्क कर दी, अभी हमें ना थोड़ा सा चल के जाना है। तो हम लोग है ना मिलके आ गए डॉक्टर से, और डॉक्टर ने है ना हमें ईसीजी करने को कहा है। तो ठीक है देखते हैं अभी ईसीजी करने के बाद में। तो अभी जस्ट हमने ईसीजी किया है, अभी है ना हमको है ना इसको डॉक्टर को दिखाना है। तो ये जो रिपोर्ट है ना वो हमने डॉक्टर को दिखाई, और उन्होंने मेरा है ना इको 2D भी किया, लेकिन है ना सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस की वजह से ऐसे हो रहा होगा पेन। हर 2-3 महीने में ना चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, अब भगवान ही जाने क्यों। इसलिए मैं बोलता हूँ टेंशन वेंशन मत लिया करो, और कम से कम है ना पढ़ाई का टेंशन तो कभी लेना नहीं चाहिए। हाँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10th समझे क्या? हाँ 10th तो हो ही जाना है, 12th भी हो जाना है, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो। तू नहीं और बाकी किसी बच्चों ने भी टेंशन नहीं लेना चाहिए पढ़ाई का। बच्चा अगर ऐसे स्ट्रेस लेंगे तो फिर माँ बाप को भी टेंशन आ जाता ना, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो जाएंगे ना, उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगे। बच्चों को तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस होगा, 2-4 दिन और चले जाएंगे, लेकिन अगर माँ बाप ने अगर स्ट्रेस ले लिया तो उनको हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि माँ बाप को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, खुद स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हाँ। आगे मैं घर पे ही, चलो अभी ऊपर चल के देखते हैं चीकू क्या कर रहे हैं। तुम्हारी दुनिया में गुजर ना जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। और मैंने ना अपनी क्रिसमस वाली ड्रेस पहनी है, क्योंकि रेड कलर है ना एक रोमांटिक कलर होता है। और हाँ आज मैं अपने ना स्पेशल वन को ये डेरी मिल्क की कैडबरी देने वाली हूँ। आप जानना चाहते हो मेरी स्पेशल वन कौन है? चलो मैं बुला के लाती हूँ। तो मेरी लाइफ की स्पेशल लाइफ पार्टनर आ चुके हैं, चलो मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। आओ छोटा वाला क्यों दिया? थैंक यू पापा आपको भी। मम्मी पापा को आई लव यू बोलने के लिए डेयरिंग लगती है बहुत। मुझ में और डेयरिंग है। और थैंक यू मेरा वैलेंटाइन डे इतना स्पेशल बनाने के लिए। वैलेंटाइन डे का भी टाइम है ना? हाँ तो क्या हुआ मेरे लिए, तो आज से ही वैलेंटाइन डे। उधर देखो उधर कैमरा चालू है।
मैंने तो अपने मम्मी पापा को आई लव यू बोल के विश कर लिया। आपने किया? नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और उनको आई लव यू बोलो, उनको विश करो, उनको भी यार स्पेशल फील करवाओ। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हम अपने मम्मी पापा को आई लव यू नहीं बोल पाते हैं। तो जाओ, हिम्मत करो, आई लव यू बोलो, क्योंकि यार वही तो लोग हैं जो है ना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपको बिंदास कहावे से कुछ सीखना है तो ये सीखो कि मम्मी पापा को ही अपना दोस्त बनाओ। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। तो इसको ना शूट करने के लिए और एडिट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ यार आप लोग एक लाइक कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो। सो जल्दी से एक लाइक करो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट रेड वाला बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 2 मिलियन के बहुत ही नज़दीक है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो 2 मिलियन पे ना बहुत ही बड़ी पार्टी रखने वाला है, ठीक है? और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर दो। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट में बताना आपने अपने मम्मी पापा को हिम्मत करके आई लव यू बोला।